मैं आपको बताने वाला हूं 5 तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप आपके पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बिजनेस लाने का मतलब होता है जो ओवर एंड ओवर आपको पैसे देते चले। ऐसा नहीं कि एक बार ही वो चीज हो पाएगी, अगली बार से वो चीज हो ही नहीं पाएगी। नाउ अगर आपको बिजनेस कमाना है, सबसे सबसे जो प्रूवन तरीका है वो है कि स्टेज शोज। ये बात सुनने में आपको क्लिशे लग सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे बड़े से बड़े परफॉर्मर्स जो होते हैं, सोनू निगम, ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, एवरीवन डज स्टेज शोज। अगर आप एक सिंगर हैं तो आप अप्रोच कीजिए जो लोग फंक्शन होस्ट करते हैं। इनिशियल डेज में आपको कमाई नहीं होगी, पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस प्लान हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरीके से नेटवर्क को ऐसे बढ़ाया जाए ताकि आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पैसे के ऑफर्स आपके पास आते रहें। लेकिन अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की तरफ ध्यान दिए, देन दैट्स अ रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिकॉज लोग आपको मार्क कर लेंगे कि ये जो इंसान है ये सिर्फ और सिर्फ इतना सोच रहा है कि वो कैसे खुद कमा सकता है। याद रखिए, कोई आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं देता है ताकि आप कमा पाएं। लोग आपको इसलिए अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि आप उनके लिए कमा कर दें। अगर आप उनके लिए कमा कर देंगे ऐसा उनको लगे, तो ज़रूर से वो आपके लिए कमाने के लिए प्लेटफॉर्म एक बना देंगे। यानी कि आप जब फंक्शन अरेंजर्स से बात करेंगे, फंक्शन मैनेजर्स जो होते हैं उनसे बात करेंगे, पैसे की बात आप बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक ना आपकी एक पहचान बन जाती है। वो पहचान जितनी आगे बढ़ती रहेगी उतने जो है आपको पैसे कमाने के ऑप्शंस दिखते रहेंगे। एंड अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, पियानिस्ट, कीबोर्डिस्ट, गिटारिस्ट, बेसिस्ट, ड्रमर, आपको फंक्शन मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ऑल्सो बात करनी पड़ेगी वो सिंगर से जो थोड़े बहुत एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। उन सिंगर्स से जब आप पेश आएंगे, याद रखिए उन्होंने बहुत कष्ट करके, बहुत लड़ के उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो जाकर उनको यूं मत कहिए कि देखो सर मुझे जो है मुझे गिटार बजाना आता है, मैं आपके साथ बजाना चाहता हूँ। नहीं, कहिए कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, कहिए कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो प्लीज़ एक बार मुझे टेस्ट करके देखिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझ में कुछ खामियां हैं तो ज़रूर से आप मुझे बता दीजिए ताकि उनको मैं सुधार के आपके सामने आ सकूँ। ये रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आज वो जिस मौकम तक पहुंचा है, आप भी कभी ना कभी उस मौकम तक पहुंचेंगे, और वो करना कभी आसान नहीं होता। आपके दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नेवर ग्रो इन दिस इंडस्ट्री। इसके बाद सवाल आता है कि वो फंक्शन मैनेजर्स या सिंगर्स आपकी बात सुनेंगे क्यों? उसके लिए या तो आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए या फिर एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो। स्ट्रांग पोर्टफोलियो कैसे बनता है? आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग जो भी आती है, आप उसके ऊपर काम करके, यानी कि उनको रिकॉर्ड करके, परफॉर्म करके, आप उनको सोशल मीडिया में पोस्ट करना चालू कीजिए। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से आपको लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स वगैरह मिलते रहेंगे, बट उसके लिए आपको वो कला आनी ज़रूरी है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल ज़ीरो, बट आपको रिटर्न मिलने के चांसेस इसमें अच्छे खासे होते हैं, लेकिन इसमें टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो है कि म्यूजिक कोचिंग। रिमेंबर कि दैट इज़ अ वेरी 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 बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ़ यू कैन कमिट टू दैट, देन म्यूजिक कोचिंग कैन एक्चुअली बी अ वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस जो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। मैंने लोगों में अक्सर एक माइंडसेट देखा है कि म्यूजिक कोचिंग जो करते हैं दैट इज अ लिटिल बिट नॉट सो गुड कैटेगरी, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। इनिशियल स्टूडेंट्स जुगाड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लोगों में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। क्या भरोसा है कि आप उनको सही रास्ते पर लेके जाओगे? इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज एक्चुअली द वर्ड ऑफ माउथ जो वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जिनको आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि आपके दोस्त की छोटी बहन, छोटा भाई, ऐसे लोगों से सिखाना चालू कीजिए। अगर आपने उनको अच्छी तरीके से कोच कर दिया तो वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होना चालू होगा ही होगा। जस्ट वन थिंग, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद दिस। और म्यूजिक कोचिंग करने का मतलब ये बिल्कुल मत समझ लीजिए कि आपको जो है दिन रात वही करते रहना, नहीं, आप वीकेंड पर कीजिए। एक दो स्टूडेंट जैसे ही आपके तैयार हो गए अच्छी तरीके से, वो परफॉर्म करने लायक बन गए, ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा लोग आपके पास आते रहेंगे। तो इस रास्ते पे चलने पर भी आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। ये सिंगर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, म्यूजिशियंस के लिए भी एप्लीकेबल है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आप जा करके आपके इलाके में, आपकी लोकेलिटी में जो स्टूडियोज हैं, म्यूजिक स्टूडियोज, उनके साथ जाकर संबंध बनाना चालू करें। अगर आप एक वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं, तो उनको जाकर बोलो कि आप फ्री में जो है अब डमी सिंगिंग कर दोगे। डमी सिंगिंग मतलब जिसके ऊपर ओरिजिनल सिंगर की डबिंग होने वाली है। तो अगर आप एक्चुअल में अच्छे गाते हैं और अगर आप ऐसे कुछ कुछ स्टूडियोज में गाना गा रहे हैं, तो ज़रूर से आप जो है उनकी नोटिस पर आ जाएंगे, आप उनकी नज़र पर आ जाएंगे, एंड आपको
मौके मिलने ही मिलने हैं उसके बाद। अगर आपको लगे कि ऐसे डबिंग आर्टिस्ट बन करके बड़ा कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पता भी नहीं होगा कि नहीं होगा, वेल आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जी हाँ, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह डबिंग करते थे मिथुन के स्टूडियो में, थोड़े बहुत म्यूजिक प्रोग्रामिंग करते थे। एक डबिंग आर्टिस्ट होकर स्टार्ट करके, नाउ वेल आई गेट दिस पॉइंट कि एवरीबॉडी अरिजीत सिंह नहीं बन सकता, आई नो दैट। तो अरिजीत सिंह जैसी क्वालिटी लाओ ना, अब बन जाओगे अरिजीत सिंह। उनसे बेटर क्वालिटी लाओ, उनसे बेटर बन जाओगे। बट एंट्री तो आपको कहीं ना कहीं मिलनी है, तो एंट्री वैसे मिल सकती है एज अ डबिंग आर्टिस्ट। और अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, उस केस में भी स्टूडियोज को कनेक्ट करना बहुत अच्छा होता है। उनको जाकर बोलिए कि आप जब ट्रैक्स प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे आप लाइव इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, मुझे आपसे सीखना है। ये मत बोलो कि मुझे करना है, क्योंकि करना है जैसे ही बोलोगे एक जजमेंटल माइंडसेट आ जाता है, भाई ये कह रही करेगा कैसे, कर लेगा क्या, आता क्या है तुमको, भाई तुम कर लोगे। ये एक जजमेंटल माइंडसेट ऊपर नहीं बोलेगा, अंदर ही अंदर आ जाता है। ये एक यूं कह सकते हो कि एक आर्टिस्टिक ईगो है जो हर एक आर्टिस्ट के अंदर होता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ द रियलिटी। तो सिर्फ एक वर्ड की वजह से कि मैं करूँगा और उसको चेंज करके मैं सीखना चाहता हूँ, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिर्फ इतना सा चेंज करने पे आपके लिए वो आइस ब्रेकिंग बहुत ईजी हो सकती है। आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। दिस इज़ वंस अगेन सुटेबल फॉर बोथ सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस और प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। आप ऑनलाइन कोर्स तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स तैयार करना आज के ज़माने में बहुत आसान है, मैंने खुद किया हुआ है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा ऑलरेडी मेरा पियानो कोर्स वगैरह जो चल रहा है। इट्स वेरी ईजी, आपको आपके मोबाइल फ़ोन से बस खुद को रिकॉर्ड करना है। आई विल कम अप विद अ वीडियो वंस इट इज़ देयर, यहाँ पे आ जाएगी कि आपको खुद को रिकॉर्ड कैसे करना है फॉर सिंगिंग और फॉर यू नो मेकिंग अ कोर्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लान आगे आने वाली है, स्टे ट्यून्ड फॉर देम। तो आप अपने स्मार्टफोन से कैमरे को इस्तेमाल करके ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। आपको बस एक ट्राईपॉड खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा समवेयर बिटवीन 500 से 600 रुपए। आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल बिकम द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन ये कुछ तो बनेगा। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो आपके कोर्स को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, आप उनकी प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हो। नाउ आपको अगर याद होगा, मैंने पॉइंट नंबर 1 पर बोला था कि सोशल मीडिया में अपना परफॉर्मेंस को आप पेश करना चालू कीजिए। तो अगर आप तब से लेकर अब तक करते आए हैं, तो आपके पास लगभग एक जो है ऑडियंस तैयार हो चुकी होगी, और वो जो ऑडियंस है उनके सामने आप इस बात को रख सकते हैं। फिर मैंने ऐसा एक कोर्स बनाया है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप जा कर के इसको देख सकते हैं, या फिर अगर कोई है तो उनको कह सकते हैं कि वो ये देख लें। दैट कैन एक्चुअली वर्कआउट। एंड कोर्स सेलिंग का एक सबसे बड़ा फीचर ये होता है, आपने एक बार इस चीज़ को बना दिया, ये बिकते चला जा रहा है, बिकते चला जा रहा है, बिकते चला जा रहा है, अनटिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद जो है इसकी सेल ऑटोमेटिक ड्रॉप कर जाएगी। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट। आते हैं फाइनल और फिफ्थ उपाय में। ये उपाय है यूट्यूब। आप पूछ सकते हो कि मैं खुद YouTube पर हूँ, मैं खुद इसको नंबर 5 पे क्यों रख रहा हूँ, नंबर 1 पे क्यों नहीं रख रहा हूँ। तो मैंने उनको सबसे ऊपर रखा है जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लो है, लेकिन पैसे आने के चांसेस थोड़े फास्ट हैं। यहाँ पे जो है YouTube में आपके पैसे आने के चांसेस है शायद, अगर आपने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया, लेकिन आपका एफर्ट जो पैसे में कन्वर्ट होगा वो टिपिकली इनिशियल डेज में बहुत लो होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको एक अच्छी जगह तक पुश करने के लिए। आपके सब्सक्राइबर काउंट कहीं पहुंचना है, आपके वॉच आवर्स कहीं पहुंचने हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी कंपटीशन इतने ज़्यादा है। यूट्यूब पर हर मिनट एक ह्यूज नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड होती है, तो आपका हर मिनट आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उसके लिए जो है इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये भी प्रॉफिटेबल है, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर आप लेट्स से टेक्निकल गुरुजी फॉलो करते हो, या फिर लेट्स से इंग्लिश में लिनस टेक टिप्स फॉलो करते हो, दीज पीपल आर रनिंग कंप्लीट बिजनेस आउट ऑफ यूट्यूब। इनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, उनको ये पे करते हैं यूट्यूब के मनी से। यूट्यूब का मनी अलग अलग तरीके से आता है, एक आपका होता है एड रेवेन्यू और दूसरा ऑप्शन स्पॉन्सरशिप। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Squarespace। Squarespace इज द प्लेस वेर यू कैन मेक योर, आपने देखा होगा ये। दिस वीडियो इज brought to you by Skillshare. Skillshare is a platform where, देखा होगा आपने। ये जो सारी चीजें होती हैं, ये करने के लिए आपके पास अच्छी खासी व्यूअरशिप चाहिए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर काउंट्स चाहिए ना, वो एक दिन में प्रिपेयर नहीं होते, उनके लिए सालों लग जाते हैं। अगर आप इतना टाइम देने के लिए तैयार हो, देन YouTube is a fantastic platform. तो ये 5 तरीके के बारे में हमने बात की। अब मैं बताता हूँ बेस्ट क्या होता है। बेस्ट ये होता है कि इन 5ों को आप एक साथ ले लो। सुनो, अब स्टार्ट ऐसे करो, एक YouTube चैनल तैयार करो, एक Facebook पे आपका प्रोफाइल तो है, ये सब है, इन दोनों जगह पर पैरेलल या वीडियोस जो है डालते चले जाओ। जब आपका फेसबुक थोड़ा सा बिल्डअप हुआ, उसको इस्तेमाल करके
अब फंक्शन मैनेजर्स से बात करो, किसी सिंगर्स से बात करो, उनके साथ रेफरेंस लेने की कोशिश करो, एंड रेफरेंस गलत तरीके से नहीं, प्यार से, रिस्पेक्ट से, ताकि आपको रास्ता मिले। पैरेलली अब ट्राई करो कोचिंग देने के लिए। अगर आपकी कोचिंग पहले सेट हो जाती है अच्छी तरीके से, तो वो आपको स्टेज शो करने के लिए पुश करेगा, अपने आप उसको प्रमोट करेगा, क्योंकि आपका नाम फैलने वाला होगा। अगर आपके स्टेज शोज पहले हिट हो जाते हैं, तो उसके थ्रू आपको कोचिंग्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो ये सब जो है एक दूसरे को बढ़ाना चालू करेगा। उसके साथ साथ ही जो है, जो आपके स्टेज शोज एंड कोचिंग देख रहे हैं, वो जरूर से आपको यूट्यूब पर भी देखने आएंगे। आपकी व्यूअरशिप बढ़नी चालू होंगी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने चालू होंगे, आपके वॉच टाइम आना चालू होगा। इस ऑडियंस के बेस को मद्देनजर रखते हुए आप उनके सामने एक कोर्स तैयार करो एंड उसको प्रेजेंट करो। उस कोर्स को ऐसे डिजाइन करो ताकि आपकी ऑडियंस के लिए वो सूटेबल हो। तो इस तरीके से जो है, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला करके एक होलिस्टिक अप्रोच में आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि ये सारी चीजें होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपकी स्किल सेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ सीखकर मैदान पर उतरो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट कुछ तो सीखो, फिर मैदान पर उतरो, क्योंकि मैदान पे और बाकी जो लोग हैं वो ऑलरेडी काफी बड़े बड़े लोग हैं। उनके साथ टक्कर तो फिलहाल मत लेने की कोशिश करो, बट अपना कुछ एस्टेब्लिश करो। धीरे धीरे आप जैसे बड़े होते चलोगे, आप इन बड़े लोगों के साथ जो है बराबरी में आना चालू कर रहे हैं। एंड दैट डे यू विल बी सुपर हैप्पी एंड योर बिजनेस विल बी रियली सक्सेसफुल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग टिल द एंड। टेक केयर, बाय बाय।